हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस, अब आज आ गए हैं ऊपर फिर से। तो यहाँ देखिए, एक्सरसाइज कर रहे हैं इंजॉय करते करते। तो आप अगर किसी भी चीज़ को करते हैं ना, तो उसको पूरे इंजॉय लेके कीजिए, बोरियत से मत कीजिए। अगर आप किसी चीज़ को बोरियत से करेंगे ना, तो आपका एक दिन करेंगे, दो दिन करेंगे, फिर वो नहीं कर पाएंगे। पर किसी चीज़ को इंजॉयमेंट की तरह करेंगे, खुशी से करेंगे ना, तो वो आप बरकरार रखेंगे चीज़ों को। तो गाइस, 10 मिनट अपनी ज़िंदगी के पूरे दिन में से अगर आप 10 मिनट निकालते हैं ना, तो ये 10 मिनट लाइफ टाइम आपको याद रहने वाले हैं, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ हमेशा फिट रहने वाली है। और ये हमारी ज़िंदगी के 10 मिनट हमें हमेशा ही हमें हेल्दी रखेंगे और फिट रखने वाले हैं। 10 मिनट हैं, तो जो भी नहीं करते हैं, आलस कर जाते हैं कि ठंड हो रही है, थोड़ा सा अपने आलस को दूर भगाइए और 10 मिनट अपने लिए निकालिए टाइम, और करिए अपने आप को फिट एंड हेल्दी बना के रखिए। तो यहाँ देखिए, मेरी एक्सरसाइज वगैरह सब हो गई है। तो ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ अपने टमाटर का पेड़। फाइनली इसमें 3-4 टमाटर आ गए हैं, और बड़ा खुशी की बात है मेरे लिए तो, क्योंकि जिस चीज़ को अपनी आँखों से, मतलब अपने आँखों से देखते आओ और अपने हाथों से लगाओ ना, उस चीज़ में फल आ जाते हैं ना, तो वो खुशी कुछ और ही होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं कपड़े वगैरह भी डाल दूँगी। तो गाइज, ये मैं रात को ही कपड़े धो देती हूँ। वैसे तो विंटर में तो और सही है, रात को कपड़े धो दो और सुबह अपना फैला दो, तो आराम से सूख भी जाते हैं, नहीं तो फिर पूरा दिन कपड़ों में निकल जाता है। और सर्दियों के दिन तो कितने छोटे हैं कि पता ही नहीं लगते, कब दिन हो गई, कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई। तो ऐसे में हमें अपने कामों को तो करना है फटाफट, और हम एक के साथ दो काम करें तो उसमें हमारे काम भी जल्दी जल्दी होंगे और हमारे लिए टाइम भी बच पाएगा। क्योंकि सर्दियों के दिन में ना टाइम कहाँ जाता है ना, किसी को पता नहीं लगता। और घर के काम तो उतने के उतने ही रहते हैं जितने की गर्मियों में होते हैं, जितने की सर्दियों में होते हैं। तो गाइस, यहाँ कपड़े वगैरह सब डाल के मैं आ गई थी नीचे, और मैं नहा धो भी ली थी। और उसके बाद यहाँ देखिए, रियांश के लिए दूध गर्म कर दिया है मैंने, और साथ के साथ मैं क्या करूँगी, दूध इतना ठंडा होता रहेगा, मैं अपने लिए फ्रूट्स कट कर लूँगी। तो खाली पेट है और भूख भी लग रही थी। और एक्सरसाइज करने के बाद ना, आप एक चीज़ नोटिस करना, भूख बहुत ज़ोरों से लगती है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं ना, और मेहनत के बाद भूख तो लगती है। और यहाँ देखिए, मैंने इस पर डाल लिया है काला नमक, आप चाहें तो चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम मैं अंदर आ गई, और यहाँ हमारे बाऊजी देख रहे हैं टीवी। इनकी तो सुबह से शुरुआत बस टीवी से, कार्टून से ही हो जाती है, और मेरी भी मजबूरी है थोड़ा, मैं इसलिए देखने देती हूँ। मैंने कहा चल मेरे को काम वगैरह करने देगा, नहीं तो परेशान करता रहता है मेरे को, और मम्मी 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 चिल्लाता रहता है बस ऐसे ही। गाइस, काम भी नहीं करने देता है, और फिर बाहर भी इतनी ठंड हो रही है, कहाँ जाएगा वो। तो यहाँ देखिए, बाबू देख रहा है टीवी, और मैं अपना कर लूँगी फ्रूट्स का नाश्ता। तो गाइज, यहाँ पे नाश्ता वगैरह तो फ्रूट से हो गया है, और अमरूद इतना बड़ा था ना, मेरे को तो उसी से ऐसा लग रहा था, तनी कितना खा लिया, एक अमरूद खा लिया चल रहा है, कितना खा लिया। तो देखिए गाइज, यहाँ पे बाबू को लगानी थी स्टीम। तो यहाँ पे बाबू को थोड़ी बहुत खांसी वगैरह हो रही थी, तो यहाँ स्टीम लगानी थी दवाई डाल के। तो ये स्टीमर तो पहले मुझे बाहर जाना पड़ता था लगाने के लिए, पर अब मैंने घर में ही मंगा लिया है, क्योंकि आए दिन ये बीमारी होता रहता है, फिर बाहर ठंड में लेके जाओ लेके आओ तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये घर में ही मंगा लिया है, और थोड़ा सा ये कि डिस्काउंट में मिल गया तो हमने मंगा लिया। मैंने कहा चलो, बच्चे की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब रहती है, तो मैंने मंगा लेती हूँ। और गए उसके बाद हम यहाँ आ गए किचन में, और हम बनाने वाले हैं टोस्ट। तो ये रात की गाजर आलू की सब्ज़ी है जो मैंने बनाई थी, तो ब्रेड भी रखी हुई थी। मैंने कहा चलो आज टोस्ट बना लेते, बहुत टाइम से मैं ये चीज़ें ना बना नहीं पा रही थी, कुछ वेट की वजह से नहीं बनाती थी और कुछ टाइम भी नहीं मिल पाता था। तो आज फाइनली मैंने कहा चलो सब्जी भी रखी है, ब्रेड भी रखी है, क्यों ना टोस्ट बना ली जाए। तो ये देखिए गाइस, हमने तो तवे पे बना लिया टोस्ट, और उसके बाद हम लग गए अपने काम पर, क्योंकि हमें अपने काम भी करने थे, खाना पीना भी बनाना था। तो बिना रुके बिना थके लग गए हैं स्पीड से अपने काम पे, क्योंकि गाइस आजकल सर्दियों के दिन है ना, आलस तो ऐसे चढ़ता है बस पूछो मत। पर देखो, हम अपने आप को खुद मोटिवेट करेंगे ना, तभी कुछ होगा। अगर हम कहेंगे अरे नहीं आलस है, बैठ जाओ ठंड लग रही है, तो हम बैठे ही रह जाएंगे और काम वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर हम कहेंगे नहीं यार उठना है, काम करना है, उसके बाद आराम से बैठेंगे, तो वो काम हो जाएगा। जैसा हम अपने शरीर को अपने मन को बनाएंगे ना, वो वैसे ही होगा। तो गाइस, यहाँ देखिए आटा वाटा भरना था, और यहाँ मैं कह रही हूँ कितना काम, दिन का काम। तो गाइस बस ऐसे ही है, देखो ना, मतलब काम को भी बड़ा इंजॉय से करती हूँ मैं, ताकि वो काम ना लगे, मतलब एक ऐसा लगे कि ठीक है अपना इंजॉयमेंट हो रहा है। साथ के साथ कोई चीज़ बोरियत लगती है ना, तो वो होनी बड़ी मुश्किल से हो पाती है, पर यहाँ इंजॉय से अगर हम किसी चीज़ को करते हैं ना, तो वो बड़े आराम से हो जाती है और पता भी नहीं लगती है। और यहाँ हमारा रियांश ना, हमारा दिमाग खा रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए गाइस, हमने ग्रेवी वगैरह तैयार कर ली है, छोले बना रहे हैं, काले वाले छोले।
तो काले वाले छोले मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, हफ्ते में मतलब एक बार या दो बार तो मैं बना ही लेती हूँ। हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं खाने के लिए। तो यहाँ देखिए मेरे छोले वगैरह मैंने अच्छे से फ्राई वगैरह कर दिए हैं, और इसमें डाला है मैंने छोले मसाला और थोड़ा सा डाला है गरम मसाला। तो ये मसाले डाल के इसमें मैं डाल दूँगी धनिया। तो फाइनली हमारे छोले यम्मी से बन के रेडी हो गए हैं। और ये देखिए मैंने चावल को भी भिगो दिया है, मैं कम से कम ना आधे घंटे चावल को भिगो देती हूँ, इससे चावल ना बड़े अच्छे खिले खिले बनते हैं। हेलो गाइस, तो गाइस अब हो चुकी है शाम और अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो हमारी अपॉइंटमेंट थी शाम की, और बस हस्बैंड जी का वेट कर रही हूँ, वो आने वाले हैं ऑफिस से। और वो ये बस इतने दूर ऑफिस है ना उनका, तो बस आने में कम से कम 2-2.5 घंटे लगते हैं। और कब के चले हुए हैं, 4:30 मतलब 5 बजे के चले हुए हैं, अभी तक नहीं आए। वही ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है तो और लेट हो जाते हैं। बस जा रहे हैं डॉक्टर के पास और सीधा आपसे वहीं मिलते हैं डॉक्टर के पास। और ये रहा हमारा बाबू। हेलो बाबू, इधर देखो, अच्छा हेलो करो। हेलो बाबू, सीधे खड़े हो। देखो बाबू का ये स्वेटर हम लाए थे ना उस दिन, आज मैंने पहना दिया बाबू को, है ना? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एकदम फिट आया बाबू के, है ना? हेलो कर दो। हेलो, रियांशु कैसे लग रहा है? टोपल आ गए रियांशु। उतार दो फिर, रहने दो, यहाँ तो इतनी ठंडी है। No, don't touch. Window. Yes, this is window. तो गाइस रियांश को डॉक्टर के पास दिखा दिया था, और ये लास्ट ही था, मतलब लास्ट चेकअप था रियांश का जो हो गया है। और रियांश अब एकदम फिट है, एकदम हेल्दी है। और यहाँ देखिए उसके बाद हम आ गए थे टिक्की वगैरह खाने के लिए, तो भूख लग रही थी, शाम के टाइम कुछ खाया भी नहीं था, मैंने कहा चलो गरम गरम टिक्की खाते हैं। और ये देखिए गाइस हमारी यम्मी सी गरम गरम टिक्की आ गई है। और जब हम इस साइड आते हैं ना, तो हम टिक्की गोलगप्पे ज़रूर खा के जाते हैं, वैसे तो यहाँ आना मुश्किल ही हो पाता है। तो गाइस आए हैं तो हमने कहा चलो क्यों ना टिक्की विक्की खा के जाए। और गाइस उसके बाद हम चल दिए हैं घर की तरफ, क्योंकि गाइस आजकल अंधेरा ना 5:30 बजे से ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, और हमें घर पर आके भी काम थे। वैसे खाना वगैरह तो मैं बना के ही गई थी, सारा काम करके गई थी, तो बर्तन छोड़ गई थी, मैंने कहा चलो बर्तन आके साफ़ कर लूँगी, क्योंकि टाइम हो रहा था उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं अपने फटाफट से बर्तन वगैरह जो है उसे साफ़ वगैरह कर लूँगी और माँज मुझ के रख दूँगी, तो बस ये काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं करते हैं हम एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी प्यार दीजिए थोड़ा सा। बहुत मेहनत लगती है गाइस ब्लॉग वगैरह बनाने में, शूट करने में, और जिसके घर में छोटा बच्चा है ना उसकी तो कितनी बैंड बजती है ना ये हम ही जान सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और हमें आगे बढ़ाइए, हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका ज़रूर दीजिए। तो चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।